का मंगलो नमस्कार। हम धन क्यों कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? देखिए, इस पे तो इकोनॉमिस्ट ही जो होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, वही बोल सकते हैं, अच्छे या विश्लेषक होते हैं। मैं यहाँ पे एक सामाजिक दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों आपको बता रहा हूँ। हम अपनी भविष्य के लिए एक सुरक्षा निधि के तौर पर हम क्या कहते हैं, इकट्ठा करते हैं, बचत करते हैं, और इसीलिए हम कमाते हैं कि जो वर्तमान में जो हमारी स्थिति परिस्थिति है, पूर्ति दैनिक दिनचर्या में रोजमर्रा में उसकी पूर्ति हो, और कोशिश करते हैं, भरसक प्रयास हर व्यक्ति का रहता है। भारत की बात कर रहा हूँ, राजा से रहता कि वो क्या कहते हैं, कुछ बचाए भविष्य को लेकर, ठीक है ना। अब भविष्य करती होता है मकान है, जमीन, वो क्या कहते हैं, बच्चों की विवाह शादी, पढ़ाई, दीक्षा और बहुत सारे घरेलू जो कार्य होते हैं, छोटे बड़े सबके, दुख सुख, बीमारी सीमारी सबके लिए। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, फिर मेरी बात पर ध्यान देना, और आपके परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग, ठीक है, अगर उसको कोई चीज की जरूरत है और आप सक्षम है, मेरी बात पे ध्यान रखना, आर्थिक दृष्टि से आप सक्षम है, तो उसको वो चीज दिलाने में किंतु परंतु करना, अपनी वाक्पटुता के चलते, शब्दों के द्वारा उसको कहते हैं किसी तरह बहलाई रखना, या क्या कहते हैं, उसको सांत्वना दिए रखना, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करना उसकी इच्छा की, तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक अनुचित है। एक मैं तो यही मानूंगा सामाजिक एक नैतिक अपराध है, पाप है, जिसको कहना चाहिए। अरे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस बड़े बुजुर्ग ने, जो भी आपके हैं, उन्होंने आपके लिए तो काम करा, आपको एक लिए क्या कहते हैं कमाया, और आपके लिए क्या कहते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। अब आपको क्या कहते हैं, आप कमा रहे हो तो किस लिए, थोड़ा काम कम कर लो उसके अंदर, थोड़ा एक जगह इन्वेस्टमेंट कम कर दो, उस इन्वेस्टमेंट से उसको कुछ भी चीज को दे दो। उसने आपकी हर खुशियों के लिए अपनी हर चीज नौछावर कर दी। आप, मैं मानता हूँ कमाना अच्छी बात है, कमाना चाहिए, कमाई हुई संपत्ति को अच्छी तरह से उपयोग में लाना, उसको कहते हैं यूज करना, उसका कहते हैं बचत करना, ये सर्वाधिक श्रेष्ठ है। लेकिन खाली कमाई 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 करना, जोड़े रखना और रोजमर्रा के काम में कोई बाधा नहीं, वो तो मान लिया मैंने, लेकिन कोई इच्छा अगर है आपके बड़े बुजुर्ग की, परिवार के किसी, मैं बड़े बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं नौजवान बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, और उसमें आप इसलिए उनको कर देते हो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी तो वो जी एडजस्टमेंट नहीं हो रही जी, अभी तो वहाँ इन्वेस्ट हो गया जी, अभी पैसा नहीं, अभी 6 महीने बाद, साल भर बाद, ये उस बुजुर्ग के साथ इससे बड़ा एक बेहुदा मजाक नहीं हो सकता, जिसने अपना जीवन आपके लिए लगा दिया। अब वो हेल्पलेस है, आपके भरोसे है, जब आप उसके भरोसे थे तो उसकी ममता उंडल उंडल के आती थी, माँ थी, पिताजी थे, दादा दादी, कोई भी, आप बड़े घर में ताऊ ताई, जो भी, मतलब आपके जो अपने, ठीक है, जिन्होंने आपका जीवन संवारा है। तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें लेकिन गहरी गंभीर है।